जिनमें बीजेपी विधायक प्रेमलता अपने बेटे और बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। और इस अभियान के तहत ही बीजेपी विधायक प्रेमलता खटकड़, कहसुन, साथी धनखड़ी, इसके अलावा भोसला सहित विभिन्न गांवों में पहुंचे थे। सभी ग्रामीणों ने उनका गांव में पहुंचने पर स्वागत भी किया और इस मौके पर क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने जो भी काम करवाए हैं उनके बारे में भी लोगों को उन्होंने बताया। प्रेमलता ने कहा कि कांग्रेस के पास 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं उन्हें मिल रहे थे। इसी के चलते दो दिन पहले ही हिसार, सिरसा सहित कुछ लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए। आज मेरे को एक हफ्ता हो गया प्रचार में आए हुए, दिन दूनी चौगुनी रात तरक्की होने लग रही है। जहाँ जहाँ भी ब्रजेंद्र सिंह जाते हैं हजारों की संख्या में उनको सुनने के लिए लोग आते हैं और इसी तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह और मैं उनकी मदर प्रेमलता हम सारे प्रचार में लगे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी जसमीत वो हिसार में वाराणसी को संभालने लग रही है, यानी प्रचंड बहुमत हमारे को मिलने से हम जीते हैं। हमारा तो अंदाज़ा 1.5-2 लाख के बीच में है, बाकी समय बताएगा कितनी वोट पड़ेगी। मुकाबला किस पार्टी से? किस पार्टी से क्या, असल में तो भव्य का तो चुनाव उठाया ही नहीं अब तक। आज बताऊँ कि शायद कल कुलदीप विज ने थोड़ा बहुत अंडा है और जहाँ तक दुष्यंत की बात है वो तब तक चुनाव में आया ही नहीं है।